हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हवा जहां एक तरफा मानी जा रही थी, और यही नहीं, जीत की हवा किसी और की तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन चुनाव के नतीजों ने उस वक्त सबके होश उड़ाकर रख दिए जब जीत भाजपा की हुई और वह भी पूर्ण बहुमत से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जहां कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में थी, वहीं अब कांग्रेस की हार सामने आने के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 37 सीटों में सिमट जाने के बाद आपने कांग्रेस को अति आत्मविश्वासी पार्टी का दर्जा दे दिया है। और अति आत्मविश्वासी पार्टी का दर्जा ही नहीं दिया बल्कि इसके साथ साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अति आत्मविश्वासी कांग्रेस के साथ किनारा कर दिया है। आपको बता दें, प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में आप अकेले लड़ेगी, हम अति आत्मविश्वासी कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से अकेले मुकाबला करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन सहयोगियों को हल्के में लिया और अपने अति आत्मविश्वास के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। जबकि पिछले 10 साल से दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, फिर भी आपने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीट की पेशकश की थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस को हरियाणा में सहयोगियों के साथ चलना जरूरी नहीं लगा। प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन बनाने के लिए इंडिया के घटक दलों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया और अपने सहयोगी के साथ चलना जरूरी नहीं समझा। सीट बंटवारे को लेकर मतभेदों के कारण आप और कांग्रेस में चुनाव पूर्ण गठबंधन नहीं हो पाया था। आप हरियाणा में सभी पर हारी है।